सारे भाइयों ने योगेंद्र शर्मा की राम राम। खबरें एनसीआर में स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ आज मौजूद हैं अटेली विधानसभा के विधायक सीताराम यादव। सीताराम जी, खबरें एनसीआर में आपका स्वागत है। योगेंद्र जी, आपके खबरें एनसीआर के चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो देशवासियों का, प्रदेशवासियों को और मेरे बहुत ही सम्मानित क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से आज गोवर्धन के पर्व त्यौहार पर मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक साहब, मैं जो मुद्दा आपके सामने आज लेके आया हूं, कुछ दिन से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है आज के दिन, कि हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल जिसने आरोप लगाया है एक वीडियो वायरल करके कि विधायक, जो मौजूदा विधायक सीताराम यादव है, उनके लड़के ने उनके साथ मारपीट की है ऑफिस पे बुला के, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगेंद्र जी, ये मैंने उसका जो वायरल जो वीडियो है वो मैंने भी देखा है। जो वो जो वीडियो में जो बातें भाई ये भूपेंद्र कांस्टेबल जो कह रहा है, ये सब बातें निराधार हैं, सब बनावटी बातें हैं। जो ये भाई बता रहा है, इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। तो विधायक साहब, एक दो दिन से कुछ न्यूज़ और देख रहे हैं हम कि आपकी जो सहायक पार्टी है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, उसके अटेली के भी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी निंदा की है इस चीज़ की। तो निंदा में तो आपकी एक सहायक पार्टी, और फिर कुछ समझ में नहीं आया कि वो अगर ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ भी है ही नहीं, मान लो विपक्षी पार्टियों ने अगर आपको बदनाम करने के लिए, क्योंकि एक साल में लग रहा है, एक साल से ज़्यादा हो चुका है आपको विधायक बने, और कुछ ऐसा मुद्दा हाथ नहीं लगा कि वो आपके ऊपर हैवी हो सके, तो शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। पर ये जो सहयोगी पार्टी है वो भी इस मुद्दे की अगर निंदा करती है, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, मैंने कल के अखबार में बहन अनीता यादव का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, तो मैं वो बहुत ही 15 साल तक विधानसभा की सदस्य रही हैं, तो उनको जब ये बातें मालूम हुआ तो उनकी, मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने मेरे से बात करनी थी कि इसमें वास्तव में सच्चाई क्या है। और बहन जी को जो स्टेटमेंट जो बहन जी ने दिए हैं वो बिना जानकारी लिए हुए जो दिए हैं वो गलत हैं, और इस तरह की कोई घटना घटी नहीं। और वो मेरे से बात करके, और जब उनको स्टेटमेंट देनी थी, मेरा तो आप इसके बारे में यही कहना है। विधायक साहब, जहाँ से ये वीडियो वायरल हो रही है, कुछ एक पोर्टल हमने देखे हैं, एक सरपंच को, ये पहले जब इलेक्शन के टाइम से पहले जब सीट के लिए इतनी मारामारी थी, और एक पूर्व सरपंच को बीजेपी ने विधायक की सीट दे दी, और लोगों के बीच में भी ये था कि हाँ सीट मिल, जैसे ही सीट क्लियर हुई कि सीताराम यादव को टिकट मिल चुकी है बीजेपी पार्टी से, उसके बाद तो जीत क्लियर हो गई थी। लेकिन उसके बाद और आज तक लेकर एक साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ना कोई मुद्दा हाथ लगा है ना और कुछ, फिर भी कुछ एक जो नहीं चाहते थे कि टिकट ना मिले, जो टिकट के दावेदार थे उनकी तरफ से, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। योगेंद्र जी, मैं तो ये बात मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे तो सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं। लेकिन किसी को अंदरूनी कोई तकलीफ हो सकती है, राजनीति में ऐसे ही एक दूसरे से जलते रहते हैं। मैं किसी के प्रति कोई ईगो नहीं रखता, मैं सभी का पूरा सम्मान करता हूं, और ना ही मेरी किसी से कोई 1921 कोई बात कभी हुई। और रही टिकट की बात, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने अपने डिमांड की थी, जी मैं भी अब की बार चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, तो मैं तो धन्यवाद करूँगा राव इंद्रजीत सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा के जो हमारे बहुत ही सीनियर जो नेता हैं, जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने मेरी समर्पित भाव से पार्टी के प्रति जो मैंने काम किया, तो 39-40 साल मेरे को लगातार पार्टी में हो गए, तो उस योग्यता के आधार पर मेरे को टिकट दी। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 5 साल सरकार ने हरियाणा के जो काम किया, उसके हिसाब से लोगों ने मन से मुझे, मतलब मेरा वहाँ पर करीना साइड में तो कोई जानकारी भी अधिक नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे बहुत भारी समर्थन से उन लोगों ने मुझे जिताया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरा किसी से
टिकट मांगने वालों से भी किसी से भी कोई भेदभाव नहीं है और ना मैं रखूँगा और ना मैंने पीछे रखा है। अच्छा विधायक साहब, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी एक साल गुजर चुकी है, कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का 1% भी कोई ऐसा मुद्दा आपके खिलाफ नहीं आया है जो आपकी छवि को धूमिल कर सके थोड़ा बहुत, तो अब ये मुद्दा आया है, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए राजनीति में चलना है, ये तो है नहीं कि अब की बार इलेक्शन लड़ा, जीत गए, विधायक बन गए, उसके बाद आगे का कुछ सोचने नहीं, तो इसके बारे में क्या सोचा है कि ये क्लियर है? इतना सोशल मीडिया के ऊपर हैवी है, ये प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, तो इसके बारे में क्या सोचा है? ये कुछ अगर मान लो गलतफहमी भी है लोगों की तो उसको किस तरीके से क्लियर करेंगे आप? योगेंद्र जी, जो ये घटनाक्रम हुआ इसका मैंने पहले ही SP साहब को भी व्यक्तिगत टेलीफोन करके कहा है और मैंने सभी हमारे जो चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैंने कहा है कि इस प्रकरण की पूरी बारीकी से जांच की जाए और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो, चाहे उसमें मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे मेरा लड़का हो, और चाहे जो ये जो वीडियो जिसने भाई इसने भूपेंद्र ने जो बनाया, चाहे वो भी दोषी हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं इस जो इसकी जो इंक्वायरी होगी इसमें मैं पूरा पुलिस का मैं सहयोग करूंगा और मैं चाहता हूं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, ऐसे जिस तरह से उन्होंने आरोप ये लगाए ये सब निराधार है। और किसी को भी मैं आपको एक बड़े दावे से मैं आपको कहना चाहूँगा कि 5 साल में मुद्दे तो कोई होंगे नहीं, बनावटी मुद्दे जिस तरह से आपने ये वीडियो भी देखा होगा भूपेंद्र का, वहाँ पे कोई व्यक्ति उनको बताने वाला है बोल रहा है वैसे वो बोल रहे हैं, उनके साथ कोई घटना घटती तो वो उस समय का भी वीडियो बना सकते थे, किसी जाकर के कहीं अधिकारी के पास भी जाकर बता सकते थे, उन्होंने अपने आप ही कहीं पे, हो सकता है कोई राजनीतिक द्वेष कोई रखता हो उसने करवाया हो, मेरे तो इसकी अभी कोई जानकारी मेरे पास कोई आई नहीं है। और मैं तो आपको मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा, मेरे परिवार का कोई भी आदमी अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसकी गहनता से बारीकी इसकी जांच की जानी चाहिए। विधायक साहब, एक बात और, जो ये घटना है, हम जिस टाइम अभी जहाँ मौजूद है इसी ऑफिस की घटना है, हाँ जी, तो यहाँ तो ये आपका मेन ऑफिस हो गया, हाँ जी, लोगों का आवागमन रहता होगा यहाँ पे हर टाइम, जब विधायक ऑफिस आप मौजूदा विधायक है तो लोगों को काम पड़ता रहता है, वो कहाँ जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, यहाँ हमेशा लोग रहते हैं, यहाँ हमेशा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक लोग बने रहते हैं। और हमारे पास में जो ये दुकान है राठी टोर सरिया वालों की, यहाँ भी मतलब पूरे दिन लोगों का आवागमन रहता है, सामने विजेंद्र जो घड़ी से हैं इनके पास भी 10-5 लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे तो जम घटसा रहता है लोगों का। यहाँ जो इस ऑफिस की जो उन्होंने जो घटना बताई है, ये ऑफिस आपके सामने ऐसा कैसा लगा हुआ है, यहाँ पे ये फोटो लगी हुई है, उन्होंने कहा है कि बेल्टों से मारा है या केबल से मारा है, तो यहाँ पे कोई चीख भी होगी, कोई और भी कुछ होगा, ये सरासर गलत बातें हैं। ये ऑफिस में वो आया ज़रूर बताते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको ये बात जो उसने भतीजे के साथ जो उसने जो जाति की या जो उसने उसकी बेइज्जती की, उसके डर के मारे इसने मेरा ध्यान से ये मनगढ़ंत कहानियाँ इससे बनवाई गई हैं, भाई आप ऐसा कहते हैं या आपके साथ पता नहीं क्या होगा, जबकि हम तो द्वेष की भावना से किसी को हम देखते नहीं, ना किसी से द्वेष रखते हैं और ना किसी से ईगो रखते हैं। उसने कुछ गलती भी कर दी तो हमारी तरफ से तो माफ़ है, हमें कोई दिक्कत नहीं उसकी, नहीं उसकी गलतियाँ माफ़ है, लेकिन आपने अभी बताया अगर मान लो जिस टाइम पे पॉइंट के ऊपर अगर आप बोल रहे हैं आपके भतीजे ने कुछ याद दिया हुआ कुछ भी किया है तो वहाँ तो गलत है, भतीजे के साथ उसने किए हैं, उसको गाड़ी से उतारा गया है, उसका 8 साल का जो बच्चा था उसने चीख मारी है, वो रोया है और उसको जिप्सी में बैठाया गया है, बैठाने के बाद में उसने कहा है भाई ऐसा है आपको मेरे साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मैं विधायक का भतीजा हूँ, तो उसने कहा है कि वो लड़का बता रहा है कि उसने ये कहा है कि मेरा नाम भूपेंद्र है, विधायक को बता देना कर लेगा मेरा क्या करेगा। यानी पूरी घटना घटने के बाद आपका जो भतीजा है उन्होंने बताया कि मैं विधायक का भतीजा हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं कहा, तो इसका मतलब तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आप जिस जो बता रहे हो कि भूपेंद्र को बाद में पता चला कि ये विधायक का भतीजा है, उससे पहले उन्होंने जाति की, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी फिर ये, बाकी वहाँ 1-2 लोगों ने मेरे पास टेलीफोन भी 2-4 उन्होंने किए हैं कि हम वहाँ मौके पर थे, ऐसी कोई बात वहाँ हुई नहीं, वो तो एफिडेविट भी मेरे पास 2-3 तो टेलीफोन आए एफिडेविट भी देने के लिए तैयार में, वहाँ पर कोई ऐसी कोई ना तो कोई बहस हुई ना कोई उनको कहा गया। यानी आप इस खबर को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सिरे से खारिज है, और मैं तो ये कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको दंड दिया जाए।
मेरा कहना है स्पष्ट, यानी वो चाहे आपका भतीजा हाँ, कोई या चाहे कांस्टेबल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप बिल्कुल ये कहते हैं कि इसकी जो भी स्टेटमेंट आती है उसके बाद किसी जो भी अगर दोषी होता है उसको सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके मेरा स्पष्ट कहना है जिसमें अगर मेरा लड़का भी दोषी है और आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ी, उसको लड़कों के नाम का नहीं मेरा पता, उसको ये नहीं पता इसके भतीजा कौन है, इसके भतीजे कितने हैं विधायक के, इसका भाई कौन है विधायक का, इससे बड़ी बनाई बड़ी बातें इससे किसी ने बनवाई है इनको, इसको भी कुछ नहीं पता। वीडियो क्लिप जो डली हुई है उसमें भी कहीं कहीं देखा बीच में क्लिप ऐसा लग रहा है कि कटी हुई है, तो उसके बारे में हाँ तो वो बैठ के बनाई होंगी जी, हमने तो पता नहीं इस बात का कैसे बनाई है, क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया है, हमें नहीं पता इस बात का। यानी इस मुद्दे को आप बिल्कुल सिरे से बिल्कुल सिरे से खारिज है जी, इसमें इसमें कोई सत्यता नहीं है जी। अगर प्रशासन का कोई भी एक्शन आता है तो उसके आप साथ खड़े हो? नहीं हाँ बिल्कुल साथ खड़े हैं, हमने तो SSO साहब का जो कानूनी जो कार्रवाई वो करो, और उन्होंने FIR हमारे जैसे लड़का है, भाई है, भतीजा है, इनके खिलाफ भी उन्होंने दो अन्य लोगों अन्य लोग भी बताए हैं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज किए। मैं कह रहा हूँ FIR की मतलब जांच पूरी तरह मजबूती से बारीक की जांच की जाए और उसके दोषियों को दंड दिया जाए। जी धन्यवाद। नमस्कार। तो ये जो मुद्दा सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से वायरल चल रहा था, विधायक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके भतीजे या उनके बेटे ने जो हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल है उसके साथ ज्यादती की, मारपीट की, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए। और जो मुद्दा जहाँ से उठा उसी ऑफिस के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ लोगों का आवागमन रहता है, विधायक ऑफिस है, तो शायद लगता नहीं है कि ऐसा यहाँ कुछ भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी हुआ तो वो तो प्रशासन के हाथ में। विधायक साहब ने भी बताया कि प्रशासन अगर जो भी एक्शन लेता है उनके प्रशासन के साथ खड़े हैं, वो चाहे फिर इनके भतीजे के ऊपर आए या फिर कांस्टेबल के ऊपर। तो बाकी जो भी पॉइंट्स है वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं लाइव यहाँ से, और जो भी अगर आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।